बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। वो पहली बार भोजपुरी में हाथी आ रहा है, जैसे कि सब जानते ही है, कल्लू जी है, रवि जी है, उसमें साथ साथ हीरोइने हैं, प्रियंका पंडित है, सीमा सिंह है, मोहिनी घोष है, और गुजरात से दो नई लड़कियां हैं जो लॉन्च हुई है इस फिल्म में। और बाकी हाथी है, राधे है, गणपति बापा है, अवतार गिल जी है हमारे इसमें, और पप्पू जी हैं, और भी काफ़ी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन आज हमारी डेट अनाउंसमेंट है, जो मैं चाहती हूँ कि कल्लू जी उसको अनाउंस करें। डेट बताइए, स्टोरी बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आप सभी को बार बार प्रणाम। और हमारी जो फिल्म है राधे, पहली बात कि इस फिल्म में पहली बार मैं और बड़े भैया मेगा स्टार सुपर स्टार और गोरखपुर के सांसद महोदय रवि किशन जी के साथ मैं आ रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिसको हमने सिनेमा में देख के छोटे से उम्र में जिसको मैंने पर्दे पे देखा था, आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। तो स्पेशल थैंक्स टू नेहा श्री जी एंड रितेश ठाकुर जी। और गणपति बप्पा हैं, यानी कि इस फिल्म में हाथी है, और जो भी कहानी होगी हम चाहते हैं कि जब इतना दिन आप सभी ने इंतज़ार किया, ये फिल्म बहुत पहले रिलीज हो जाती लेकिन कोविड की वजह से लेट हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि सिनेमा हॉल्स थिएटर खुल रहे हैं, तो बहुत जल्दी फिल्म थिएटर में आएगी। बस हम यही कहेंगे कि एक सामाजिक मुद्दा है, हर मुद्दे को हम सभी के बीच आप सभी के बीच लेके आ रहे हैं। कोई भी फिल्म बनती है तो एक समाज के लिए होती है, तो ये भी एक सामाजिक फिल्म है और पसंद आएगी सभी। सबसे पहले आप सभी को बार बार प्रणाम। और हमारी जो फिल्म है राधे, पहली बात कि इस फिल्म में पहली बार मैं और बड़े भैया मेगा स्टार सुपर स्टार और गोरखपुर के सांसद महोदय रवि किशन जी के साथ मैं आ रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिसको हमने सिनेमा में देख के छोटे से उम्र में जिसको मैंने पर्दे पे देखा था, आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। तो स्पेशल थैंक्स टू नेहा श्री जी एंड रितेश ठाकुर जी। और गणपति बप्पा हैं, यानी कि इस फिल्म में हाथी है, और जो भी कहानी होगी हम चाहते हैं कि जब इतना दिन आप सभी ने इंतज़ार किया, ये फिल्म बहुत पहले रिलीज हो जाती लेकिन कोविड की वजह से लेट हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि सिनेमा हॉल्स थिएटर खुल रहे हैं, तो बहुत जल्दी फिल्म थिएटर में आएगी। बस हम यही कहेंगे कि एक सामाजिक मुद्दा है, हर मुद्दे को हम सभी के बीच आप सभी के बीच लेके आ रहे हैं। कोई भी फिल्म बनती है तो एक समाज के लिए होती है, तो ये भी एक सामाजिक फिल्म है और पसंद आएगी सभी। सर, जब आपकी पिक्चर इसी लॉकडाउन में नवरंग के सिनेमा थिएटर में लॉन्च हुई थी, आपको देखने के लिए दादर से दूर से लोग आए थे, इतना सारा प्यार दिया, क्या इसी तरह का प्यार उनको भी मिलेगा? हम लोगों ने तो कोशिश की ही थी, जब थिएटर बंद था नवरंग, तो हम लोगों ने कोशिश की कि चलो थिएटर ओपन हुआ, हमारी दो फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद फिर से कोविड ने अपना कहर बरपाया। लेकिन अब गणपति बप्पा के हाथ में है और हमारी फिल्में गणपति बप्पा के स्वरूप भी हैं, तो हम चाहते हैं कि अब ये कोविड वोविड सब खत्म हो जाए और हमारी फिल्म थिएटर में लगे, तो पहले से भी ज़्यादा दर्शक आएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। नेहा जी है, नेहा जी के बारे में बताइए, किस तरह की अभिनेत्री हैं? अभिनेत्री तो बहुत अच्छी हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, पेमेंट सबसे पहले क्लियर हुआ था मेरा। ये हमारी फिल्म गणेश चतुर्थी के दिन 10 सितंबर को आप सभी के बीच ऑल इंडिया रिलीज हो रही है, एक साथ बिहार, यूपी, झारखंड, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, तो एक साथ 10 सितंबर को मल्टीप्लेक्स में भी हमारी ये फिल्म आएगी। तो 10 सितंबर को ऑल इंडिया गणेश चतुर्थी के दिन ये हमारी फिल्म रिलीज होगी राधे। तो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, पार्वती पते हर हर।